चलिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। करीब 40 मिनट से मैं सुन रहा था, मेरी आवाज जा रही है सभी को? शिव की बातें हो रही थी, अपने गुरु शिव की बात कर रहे थे। आपको जहां जगह मिलती है बैठ जाइए, ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। अच्छा चलिए, बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि कितनी मेरी गुरु बहन है घर पे आज भूल के आई है कि खाना बना के रख दिए हैं। खाना हो तो खा लीजिएगा, चर्चा में जा रहे हैं, लेट होगा। करीब करीब सभी नहीं समझ रहा हूं। अच्छा क्यों हमको और आपको अपने घरों में बोलना पड़ता है कि महादेव की चर्चा में जा रहे हैं? क्योंकि लोग समझे और हमको और आपको जाने दे। आपको क्या फायदा होता है महादेव का चर्चा में आने से या महादेव की चर्चा करने से, ये तो आप ही बताइएगा। लेकिन आप ऐसा करती क्यों है? कभी पैसा नहीं रहता है और टेम्पो का भाड़ा चाहिए, आपको सिर्फ चर्चा में जाना है तो धीरे से पति की जेब में से 20 रुपया भी निकाल लेती है। का है? आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको बस यही चाहिए होता है कि हमारा परिवार ठीक से रहे, सुख संपन्न रहे, जिंदगी में जो थोड़ा दर्द हुआ है, थोड़ा दुख हुआ है, वो कम हो जाए, यही बतवाना है और तो कोई बात होगी नहीं। इसलिए आप करती हैं। अब जरा सोचिए, शिव चर्चा में हम और आप तो आ जाते हैं। साहब ने बताया हमको और आपको कि शिव को अपना गुरु बनाइए, हमने और आपने बना भी लिया। आप बांका आ भी गए, मोनू भैया बांका में आए हैं, तो आपने भी शिरकत की कार्यक्रम में, आप भी कार्यक्रम में मोनू भैया को सुनने के लिए आए। मेरी भी यही स्थिति है, इसीलिए आप हंसिएगा नहीं। आप शिव चर्चा में आए और आपका अगर चपलवा चोरी हो गया तो अगले बार आपको कोई कहेगा कि मोनू भैया आए हैं बांका में, चलिए, तो कहेगा भाई पिछले बार गए थे चपलवा से पूरा कोई चुरा लिया, हम नहीं जाएंगे। अब चर्चा में बैठना जरूरी नहीं है, चर्चावा किसके अंदर बैठ रहा है ज्यादा जरूरी है। शिव की चर्चा में बैठना जरूरी नहीं है, वो शिव आपके अंदर बैठ जाए ये ज्यादा जरूरी है। अब देखिए महादेव की चर्चा में हम और आप जाते तो हैं, लेकिन मनवा पर ये बात असर नहीं छोड़ता है। एक होता है ना, एक व्यक्ति शमशान के बगल से गुजरता है तो उसको वो भी सोचता है मन ही मन, आप भी जाती होंगी कभी तो, या उसके बगल से शमशान के बगल से गुजरती होंगी तो आपको भी लगता होगा एक मिनट के लिए एकदम महादेव का आदमी लीन हो जाता है कि सबको तो यहीं आना है मर के, काहे के लिए इतना झंझट कर रहे हैं हम और आप। और जैसे ही शमशान खत्म होगा आप आगे बढ़िएगा, फिर पॉकेट से खैनी चूना लगा के अब वापस अपनी दुनिया में लौटने में हमको और आपको वक्त नहीं लगता है, तुरंत वापस लौट जाते हैं। साहब ने ऐसा तरीका बता दिया है कि वो शिव के ध्यान से आप कभी वापस लौटेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मातृ तीन को कमवा करो, आपको बताइए आपकी याद में रिश्ता तो याद ना बनाएगा। आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दीजिए पटना, आप भूला जाइए तो क्या होगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी मन ही एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को बनाती है। साहब ने कहा कि अपने मन से ही उस शिव से एक रिश्ता जोड़िए, अपने मन ही मन इस बात को सोचिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और बस उसी क्षण से आप शिव के शिष्य हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, रिश्ता आपका बन गया। अब रिश्ता बनेगा तो प्रेम तो होगा तब है ना भाई, प्रेम होगा तो परवाह होगी,
परवाह एक चीज है जो प्रेम में पाई जाती है, जिसको कहते हैं फिक्र। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करती हैं, 3:30 बजे आपके बच्चे का स्कूल का छुट्टी हो जाता है, एक दिन 4 बजे तक नहीं आया बच्चा आपका घर, आपको फिक्र होती है? हाँ बिल्कुल होती है। इसी को कहते हैं परवाह, फिक्र, चिंता। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे स्कूल में बच्चे लेट से घर पहुंचते होंगे, तो आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चों को आप अपना बच्चा नहीं समझते, आप अपने बच्चे को मेरा बच्चा समझती, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पति है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा परिवार है। हम और आप शिव से मांगते हैं, बगले में देवघर है, हम और आप शिव से मांगते हैं, लेकिन शिव को कोई नहीं मांगता। आप किसी से प्रेम करिएगा तो उसको देना चाहिएगा कि उल्टे उससे कुछ ले लेना चाहिएगा? आप उसको देना चाहिएगा। प्रेम में आप अपने पति से प्रेम करती हैं, बच्चे से प्रेम करती हैं, तो आप उसको कभी तकलीफ देना चाहती हैं? नहीं चाहती। ठीक वैसे ही शिव से प्रेम करिएगा तो परवाह होगी। आप चर्चा में बैठी हैं, आपको भी घर परिवार वाले से प्रेम है, तो आपको भी चिंता हो रही है कि क्या खाएंगे वो घर आएंगे तो, या तो आप बना के रख के आई होंगी। इसको कहते हैं परवाह, चिंता, फिक्र। साहब ने कहा कि ये जो परवाह है ना, ये जो फिक्र है ना, ये जो चिंता है ना, यार ड्रोन को हटा लो, लोग डिस्टर्ब होंगे, बाद में कर ले वो। तो ये जो फिक्र, परवाह और चिंता है ना, साहब ने कहा कि जब महादेव से प्रेम करिएगा ना, तो पैदा होगा आपके अंदर भी, आपके मन में भी इस बात की चिंता होगी कि आज महादेव का काम नहीं हुआ, आपके मन में भी इस बात की फिक्र होगी कि आज सुबह से मेरा समय बेकार चला गया। उसको बंद कर लो, मैंने कहा बंद करो। गुरु बहने बैठी हैं, बाद में कर लेना यार। तो साहब ने कहा कि आप महादेव से प्रेम करिएगा तो फिक्र होगी, चिंता होगी। अच्छा, हम और आप एक बात ईमानदारी से बताएं, हम और आप सालों के शिव शिष्य हैं, क्या बहुत सारे नए लोग भी होंगे, क्या हमको और आपको, हमारे और आपके मन में इस बात की फिक्र है कि महादेव का काम नहीं हुआ? उस शिव को जगत का गुरु कहा गया है, जगत का एक एक आदमी उनका चेला नहीं हुआ, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवाय च कहा गया है, जगत गुरु तुमको प्रणाम है, तुम ईश्वर हो, शिव हो। क्या हमको और आपको इस बात की फिक्र हुई कभी कि वो शिव जगत का गुरु है? जगत गुरु मतलब पूरी जगत, मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का एक एक आदमी उनका शिष्य हो सकता है। तो हमको और आपको भी इस बात की फिक्र होनी चाहिए ना कि मेरा गुरु पूरी दुनिया का गुरु कैसे होगा, इस बात के लिए हम और आप कोशिश करेंगे। तो इस बात पर, इस रिश्ते पर खड़े रहिए कि हमने जो रिश्ता महादेव से बनाया है वो किसी भी स्थिति में, अभी गुरु भाई लोग बोल रहे थे ना, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो टूटे नहीं। रिश्ता बना के रखिएगा तो परिणाम आ जाएंगे। देवघर जाके आप महादेव से धन संपत्ति वैभव सब चीज ले लेते हैं, तभी ना कांवड़ लेके लाखों लोग जाते होंगे, आप भी जाते हैं। तो वो महादेव देवघर में बैठ के जब आपको बेटा बेटी दे सकता है, धन संपत्ति दे सकता है, तो वही शिव गुरु के रूप में आपको ज्ञान भी दे सकता है। थोड़ी समझ मांग लीजिए कि महादेव इतनी दया करिए कि हम आपका शिष्य हो जाए, आप मेरे गुरु हैं, इस बात के लिए दया मांगिए और देखिए परिणाम आएंगे। परिणाम आ रहे हैं, तभी तो लोगों की, गुरु भाई गुरु बहनों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, शिष्यों की संख्या करोड़ों में चली गई है अब तो, देशों में, विदेशों में। हम और आप इस धरती पर आते हैं लेकिन भुला जाते हैं, महादेव को गुरु मान लिए, भूल गए। याद रखिए, महादेव को अपने दिन रात में घुसाइए ना भाई। हम और आप सुबह उठते हैं ना, तो क्या करते हैं सुबह उठते हैं? हम, जब मैं सुबह उठता हूं
दाहिने देखता हूँ पहले चाय आई है कि नहीं, नींद खुली नहीं कि हाथों चला जाता है बेड के साइड टेबल पर कि चाय दिया कि नहीं। बिना चाय के नींद नहीं खुलती है, यानी महादेव याद नहीं आता है, चायवा याद है भोरे भोरे, चाय दिया कि नहीं। और चाय अगर जिस दिन सुबह सुबह नहीं मिली, पूरा मन घोर रहेगा, मूड ऑफ रहेगा, उस शिव को अपनी चाय बना लीजिए। चाय को हाथ लगाएंगे तो महादेव को, महादेव से दया मांगेंगे, देखिए आपकी दिनचर्या में वो शिव शामिल होने लगेंगे, धीरे 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 वो शिव ही शिव रहेंगे, आपकी दिनचर्या शिव के दिनचर्या के हिसाब वो खिला देगा, कहेगा। अब बेटवा पूछेगा बाबू जी आप खा लिए, झूठ बोलेगा, बोलेगा हाँ हम खा लिए बेटा, तुम खा लो। इसी को कहते हैं समझ। देखिए यहाँ उसका विवेक काम कर रहा है, यही जानवरों से इंसान को अलग करती है ये चीजें। तो जब विवेक का, समझ का, बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग आप हर जगह करते हैं तो यहां भी माथा लगाइए, शिव के साम्राज्य से जुड़ने की कोशिश करिए। अरे महादेव से बड़ा तो कोई गुरु है नहीं, अब हम और आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से ऊपर कोई है ही नहीं। कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, यानी गुरु कौन है, वही ईश्वर है, वही साक्षात पर ब्रह्म है, वही शिव है। तो इतनी सारी बातें तो लिखी हुई हैं, आप चलिएगा उसके पीछे तब ना, चलने की कोशिश करें। मैं सीधी बिल्कुल सीधे शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। चलिए आपने कुछ जिज्ञासाएं भेजी होंगी तो देखते हैं। जिज्ञासा है भैया, मोनो भैया आप महादेव से कैसे प्रेरणा मांगे थे और आपको महादेव कैसे थे? ये बहुत ओपन की बात है, भैया से सुनते हैं। मनो भैया आप महादेव से कैसे प्रेरणा मांगे थे और आपको महादेव कैसे दिए? अच्छा, महादेव उससे ज्यादा बड़ा प्रेरणा दे दिया, अब वो प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ता है। साहब ने अपनी किताबों में भी लिख रखा है, ये घटना लिखी है उन्होंने। ऐसा अभी मैं दिल्ली में भी गया तो वहां पे कुछ गुरु भाई ने ऐसा सवाल पूछ लिया। अब स्थिति ये हो गई कि जो गुरु भाई हमसे मिलने के लिए आ रहा था पेड़े लेके आ रहा था, हम बोले यार थोड़ा आइटम चेंज करो, कभी रसगुल्ला उसका बोले लेके आया तो पेड़ा क्या लेके आया। इस बात को समझिए, उस शिव से तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अरे बंद करो यार उसको, देख रहे हो चर्चा चल रही, दो मिनट रुको। उस शिव से ले लीजिए आप भी, कोई भी ले सकता, बगले में ना बाबा धाम है भाई। हम और आप क्या कहते हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, ये कोई कहता है कि देवघर जा रहे हैं? सब कहता है कहां जा रहे हैं भाई जी, तो बाबा धाम। बाबा मतलब हम लोग के घर में छोटे बच्चे बाबा कहते हैं, जो घर का परिवार का मुखिया होता है, सबको बुजुर्ग होता है, सबको बड़ा स्नेह प्रेम से लेकर चलता है, बचवा सब उसी को ना बाबा बाबा कहता है घर में। हम लोग थे, हम लोग की संस्कृति संस्कृति में उस शिव को बाबा कहा गया है, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि बाबा धाम जा रहे हैं, 2 दिन का छुट्टी देने की कृपा की जाए, यानी हम अपने बाप के बाप के यहाँ जा रहे हैं, छुट्टी देना पड़ेगा, हम अपने बाप के यहाँ जा रहे हैं, छुट्टी दीजिए, बाबा धाम जा रहे हैं। यानी शिव से आपने पहले से रिश्ता जोड़ रखा है, ले लीजिए ना भाई, वो तो आपको पेड़ा क्या, आपको तो ऐसी चीज दे देगा, पेड़वा तो खाइएगा तो खत्म हो जाएगा। आपको उसने शिव से सीता दे दी है जो आपका जीवन के साथ भी पेड़ा देगा, जीवन के बाद भी आपको पेड़ा दे सकता है। तो उस महादेव से लेने की कोशिश करिए, वो महादेव तो सबको देता है भाई साहब। मुनु बाबू को दे दिया तो कौन सी बड़ी, बहुत बड़ी बात हो गई। आप भी लेते हैं, आप जब सांसें लेते हैं तो वो शिव उस शिव के नाम से लेते हैं, आप जब पलकें झपकाते हैं तो उस शिव के नाम से झपकाते हैं, उनकी इच्छा से ही ना हम और आप इस दुनिया में हैं। तो जब सभी लोग ले सकते हैं तो उस शिव से थोड़ा ज्ञान मांग लीजिए। एक बार मैं बहुत छोटा था, साहब उस समय मधेपुरा में मेला मजिस्ट्रेट थे, तो मेला में गया, प्लास्टिक का गाड़ी के लिए हम हंगामा मचा दिए कि हमको चाहिए तो चाहिए, जमीन उमीन पे लौटने लगे। साहब ने अपने चपरासी को कहा जाके दिला दीजिए वो खिलौना,
ले लिए, हम भी खिलौना में चाबी भरते रहे और हंसते रहे, चुप हो गए। जब मैट्रिक पास कर गए ना तो साहब ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, आज से 15 साल पहले तो तुम, 10 साल पहले तो तुम बहुत हल्ला करता था प्लास्टिक का गाड़ी के लिए, आज वो प्लास्टिक का गाड़ी चाबी वाला ला कर दे तुमको। हमने बाबा हम क्या करेंगे इसका, क्या हो गया मोनू बाबू को, बचपन में तो बड़ा हंगामा मचाए प्लास्टिक की गाड़ी के लिए, लेकिन जब मैट्रिक पास कर गए तो कह रहे हैं पापा इसका हम क्या करेंगे। कुछ नहीं हुआ मोनू बाबू को, उनको इस बात की समझ पैदा हो गई कि प्लास्टिक के गड़िया से मेरा जिंदगी नहीं चलने वाला है, बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ, मेरी जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। अगर जीवन की गाड़ी को चलाना है तो जिसने जीवन दिया है उसकी गाड़ी में बैठ जाइए, थोड़ा आनंद मिलेगा। कष्ट तो सबको है दुनिया में, लेकिन महादेव की सब चलने की कोशिश करिए, थोड़ा दुख थोड़ी परेशानियां हमारी आपकी कम हो जाए, इससे ज्यादा हमको और आपको थोड़ी कुछ चाहिए, तो शिव से पूरी दुनिया लेती है, आप भी ले सकते हैं। जिज्ञासा है, भैया साहब ने कहा था शिव की दया के आश्रय में रहिए, बिल्कुल इसका अर्थ स्पष्ट है। अच्छा, शिव की दया के आश्रय में रहिए, बिल्कुल रहना भी चाहिए हमको और आपको। उन्होंने ये कहा है ना कि शिव की दया के आश्रय में अपने मन को ले जाइए, शरीर वह थोड़ी जाएगा। शिव की दया में, शिव की दया के आश्रय में हमारा और आपका मन रहेगा और कैसे रहेगा, हमेशा कैसे इस बात को महसूस करेगा कि जगत गुरु शिव की दया के आश्रय में है हम और आप। ये तीन सूत्र करने से ये तीन सूत्र आपके मन में ये भाव पैदा कर देंगे, आप समझ पाएंगे कि उस जगत गुरु शिव की दया हो रही है, और उसकी दया हो रही है तभी तो सृष्टि का क्रम जो है वो पल प्रतिपल चल रहा है, लोग आ रहे हैं रह रहे हैं और यहां से जा रहे हैं, उसकी दया है तभी, उसकी दया है तभी आपकी पलकें झपक रही हैं, तभी आपकी सांसें अंदर बाहर हो रही हैं। देखिए ना, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, फिर अंदर गई, इस बार संतरा बाहर नहीं आई तब मोनू बाबू का खेला खत्म, आप यहीं से श्मशान घाट डायरेक्ट हमको ले जाइएगा। तो खेला तो किसी का भी खत्म कभी भी हो सकता है भैया, जो सांसों अंदर बाहर हो रही है ना, इस पर हमारा आपका नियंत्रण नहीं है, उस शिव का नियंत्रण है इसके ऊपर। तो अपने साहब ने कहा कि अपने सांसों में उस शिव को बसाइए, और हम और आप उस शिव के लिए कर ही कह सकते हैं, गोरी तेरा आंचल कितना, क्या है हमारे आपके पास, क्या ले सकते हैं क्या दे सकते हैं उस शिव को। उन्होंने साहब ने कहा कि अपने शिव को अपने सांसों पर बसाने की कोशिश करिए, नमः शिवाय से अपने जगत गुरु शिव को प्रणाम करिए। तो शिव की दया के वसात तो पूरी दुनिया है भाई साहब, हम और आप इस बात को समझ सकें इसके लिए शिष्य, शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो शिष्य बनना होगा। चलो खत्म नहीं हो रहा है सवाल जी, जैसा है महादेव को प्रसाद अगर चढ़ाया जाए तो क्या चढ़ाए, सुना आपने महादेव को अगर प्रसाद चढ़ाया जाए तो क्या चढ़ाएगा भाई साहब, महादेव को प्रसाद चढ़ाना है, महादेव को प्रसाद चढ़ाना है तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज ना चढ़ाइएगा, क्या चढ़ाते हैं प्रसाद में आप लोग, कोई एक गुरुवार बताइए, मिश्री बाजार। अच्छा, कभी आपका दामाद घर आए तो उसको आधा किलो मिश्री और बादाम खाने के लिए दीजिए, खाएगा तो फिर महादेव कैसे खाएगा। अरे ये सब हम और आप करते हैं, चढ़ाते हम ही आप हैं, खाते भी हम ही आप हैं, तो शिव को क्या लेना देना इन चीजों से। एक गुरु भाई हमको फोन किए बहुत पहले, भैया ऐसा है ना कि हम मनती चर्चा रखे हुए हैं, पहले तो हम समझे नहीं कि मनौती चर्चा क्या होता है, तो हमको बताया कि भैया हम मान के रखे थे कि हमारा जिस दिन घर बन जाएगा उस दिन चर्चा रखेंगे,
तो हमारा मन है कि सब गुरु भाई गुरु बहन को बुला करके छोटा सा भोज करवाएं। हम लोग यार महादेव का चर्चा रख लो, उसमें कोई खर्चा नहीं है, क्या भोज के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं भैया, बहुत हमको अंदर से भावना है कि हम खिलाएं अपना भाई बहन को। हम लोग ठीक है यार, तो हमको जरा बता दीजिए ना क्या क्या बनवावे। तो हम पहले बहुत उसको मना किए, हम बोले कि अरे यार सब चीज की जरूरत नहीं है। तो नहीं नहीं बताइए भैया, हम लोग ठीक है कल फोन करना, कागज कलम रखना। कल शाम में 4 बजे फिर फोन किया, बोला हाँ भैया बताइए लिस्ट। हमें लिखे 5 बोरा काजू। तो पहले तो लिख लिया, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम उसको बोले 3 बोरा किशमिश, 4 बोरा छोहारा, 5 बोरा पिस्ता, जितना महंगा महंगा आइटम था सब बोरा का बोरा उसको लिखा दिए। लास्ट में वो बोला है भैया इतना में तो जो मकान में खर्चा लगा है पूरा मकान में बेचना पड़ेगा। हम लोग गुरुदेव तुमको हम कल से समझा रहे हैं कि महादेव की चर्चा कर लो। अरे कोई गुरु भाई गुरु बहन आया है चाय पीना तो तुम्हारे पास है तो करा दो, हम और आप शिव को दे ही क्या सकते हैं, प्रसाद चढ़ा भी लेते हैं खा भी लेते हैं हम ही और आप। हाँ कभी कभी देखे हैं कोई कोई साप्ताहिक चर्चा में जहां कम भीड़ होता है वहां रसगुल्ला रखवा दीजिए प्रसाद में, हम सब लोग आवेगा। पूरे जिला में कोई शिव चर्चा में जाए चाहे नहीं जाए, वैसा वाला साप्ताहिक चर्चा जिसमें गुलाब जामुन मिलता है सब गुरु भाई गुरु बहन जाएगा जरूर, हम भी आएंगे। खिलाइए अगर आपके पास है तो खिलाइए भाई साहब, लेकिन आप अपने उस शिव को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि जो लोग हैं जो लोग मिठाई नहीं चढ़ा सकते हैं वो आपके शिव से जुड़ने से कतराने लगे। अरे वो शिव तो सभी का है भाई साहब, वो शिव तो शून्य से शीर्ष की यात्रा कराने वाला व्यक्तित्व है, वो तो नीचे से उठा के आपको शिव बना देता है, आपको उसको कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मन है तो चढ़ा दीजिए, मन है तो फोटो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ जो प्लास्टिक वाला फोटो लगाइएगा ना महादेव का, वो फबिया आंधी आएगा तो उड़िया के कटोरिया चल जाएगा, तो पीछे पीछे दौड़िएगा तो महादेव उड़िया है। आंधी आएगा तूफान आएगा तो प्लास्टिक का फोटो महादेव का गल जाएगा। वो फोटो के सामने अगरबत्ती जला के कहिए ना हे महादेव 5 रुपया दे दीजिए, हे महादेव 5 रुपया दे दीजिए, कभी नहीं मिलना आपको। लेकिन वो जिसकी तस्वीर है उससे अपने आप को जोड़ लीजिए, वो ऐसी चीज दे देगा कि फिर कभी कुछ मांगने की उससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो शिव को देना है तो अपना शिष्य भाव दीजिए भाई साहब, मिठाइयां है तो चढ़ाइए खिलाइए, क्या फर्क पड़ता है, खिलाना बुरा थोड़ी, आप खिला सकते हैं तो खिलाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब जरूरी मत बना दीजिए इसको। आपका शिव सामान्य से भी अति सामान्य है भाई साहब, वो तो सांपों को गले लगाता है, वो तो चंद्रमा जैसे टेढ़े को भी अपने सर के ऊपर रखता है, उसको क्या दिखा रहे हैं आप। आपका मन है चढ़ाने का आप चढ़ा दीजिए, नहीं मन है मत चढ़ाइए, किसी को बोलबो मत कीजिए कि यार तुम शिव चर्चा करा रहे हो तो मिठाई चढ़ाओ तुम फोटो लगाओ, करने दीजिए यार। शिव को अपना गुरु बनाने के लिए किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, आपके पास है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या वक्त हो गया, जब भी क्षेत्रों में जाता हूँ तब लोगों ने एक हेलो हेलो चलो दो मैं पढ़ लेता हूँ, हेलो आपकी बोलती बंद कर दी लोगों ने। जब भी क्षेत्रों में जाता हूँ तब लोगों का एक सवाल अक्सर आता है, नमः शिवाय ही क्यों, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शिव का नाम मंत्र क्या, नाम मंत्र मतलब शिव का नाम मंत्र क्या है। हम लोगों ने पहले से सुना है महादेव का मंत्र पंचाक्षर होता है, तो सुने होंगे आप लोग। नमः में कितने अक्षर हुए, न और मा 2 अक्षर, शिवाय में कितने अक्षर हुए, शिवाय 3 अक्षर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हुआ, तो मंत्र तो नमः है शिवाय न हुआ। ओम के बारे में कहा जाता है ये एक समान सूचक शब्द है, जैसे नामवा के पहले श्री लगाते हैं ना, श्री बलराम ठाकुर बांका, तीसरी तो उसका नाम नहीं है काहे लगाए भाई, उस नाम को सम्मान दिया जाता है। पति अपनी पत्नी को कोई चिट्ठी लिखेगा तो लिखेगा ना राम दुला श्रीमती राम दुलारी देवी बांका, अंदर में चिट्ठिया खोलिएगा तो उसमें लिखा रहेगा श्रीमती राम दुलारी कैसी है, नहीं उसमें लिखा रहेगा प्रेम वाला शब्द, जहां मोहब्बत बढ़ेगी सम्मान सूचक शब्द हटेंगे।
जब महादेव से मोहब्बत बढ़ेगी तो समान सूचक शब्द हटेंगे। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो श्री के साथ ही ओम के साथ ही पैदा हुए हैं, जैसे काली का बीज मंत्र या बहुत सारे ऐसे मंत्र। लेकिन शिव का मंत्र नमः शिवाय है, यानी शिव को प्रणाम। नमः शिवाय को आप सांसों पर चढ़ा सकते हैं। सांस की कितनी स्थिति हुई, दो ही ना, एक अंदर जाएगी और एक बाहर आएगी। तो नमः अंदर जाएगा, शिवाय बाहर आएगा। अब इस पर ओम नमः शिवाय कैसे चढ़ाइएगा, जब नहीं करेगा। तो सांसों पर प्रणाम महादेव को करिए। ओम इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग मंत्रास, मंत्रों को लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। हो गया, आप लोगों को छोड़ दें। आप पहले से किसी शरीरधारी गुरुओं का शिष्य, पहले से किसी शरीरधारी गुरुओं का शिष्य, तो क्या मैं शिव को अपना गुरु बना सकता हूँ? चलिए आपका सवाल ले लेते हैं। पहले से किसी शरीरधारी गुरुओं का शिष्य हूं तो क्या मैं शिव को? हाँ, काहे नहीं बना सकते हैं भैया, एकदम बनाइए। अरे बच्चा पढ़ता है प्राइमरी स्कूल का मास्टर से, तो जिंदगी भर प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज वो जाएगा। तो आप कॉलेज में आ गए हैं, सबका सम्मान कीजिए। प्राइमरी का मास्टर साहब बेटा है, उसको भी प्रणाम कीजिए। लेकिन आप जगत गुरु शिव के शिष्य हैं भाई साहब, शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को मान रखा है, मानिए। आप किसी की पूजा करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक नया रिश्ता उस जगत गुरु शिव से बना लेना है, अपने पिताजी से एक रिश्ता बना लेना है, अपने पिताजी से पढ़ना है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक है, मास्टर है। और शिष्यता में हिंदी में लिखा गया है कि शिव शिष्यता में जो तीन सूत्र सहायक क्रिया है, तो फिर मुख्य क्रिया क्या है? अच्छा, महादेव को गुरु बनाने के लिए तो तीनों काम न साहब बोले हैं करने के लिए। उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए। दूसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की चर्चा करिए, जितना समझ में आता है उतना ही समझाने की कोशिश करिए। और तीसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। तीनों सहायक क्रिया हैं और तीनों मुख्य भी हैं, और तीनों का एक ही कारण है कि आपके मन में उस जगत गुरु शिव की याद हमेशा ताजा रहे। आपके मन में ये विचार कि शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, आपको जब जब ये बातें याद आएंगी, आपके मन में एक वर्तुल, एक घेरा बनता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपके मन में आपके गुरु का भाव भारी होने लगेगा। ये तीन सूत्र यही करते हैं, आपको आपके गुरु शिव से नजदीक रखने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कहीं जा रहे हैं भुला करके बाजार, लेकिन कंगन कुछ देखा तो आपको टोक दिया है, भाई जी हाथ में क्या पहने हैं, देखिए कंगनवा महादेव काम करवा दिया आपसे। देखिए आपके दिमाग में वो इस बात को डाल दिया कि शिव तुम्हारे गुरु हैं। जैसे ही आपको याद आया, जैसे ही कंगन के बारे में कोई पूछा, आप समझ गए कि आपका मन में यह हुआ ना कि महादेव मेरे गुरु हैं। या लेकिन वो आदमी अनजाने में ही सही आपको आपके गुरु शिव की याद तो दिला दिया। इसलिए सारी क्रियाएं सहायक हैं और सारी क्रियाएं मुख्य हैं। शिव को अपना गुरु बनाने के लिए इन तीन सूत्रों का इस्तेमाल करिए। कंगन पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहनिए, ये भी एक सहायक क्रिया के तौर पर काफी लाभ हमको और आपको इन चीजों से मिलता है। शिव गुरु शिष्यता में कौन सी चीज है जिसके बगैर हम नहीं हो सकते? आपका मन, आपका मन में नहीं रहेगा तो शिष्य कैसे, शिष्य कौन बनेगा? कपड़वा बनेगा, देवा बनेगा, महादेव शिष्य का कंगनवा बनेगा, कौन बनेगा? अरे आपका मन में ना बनेगा भाई जी, कपड़वा तो बनेगा नहीं। आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं, ऊपर कुर्ता नीचे जींस, 2 घंटा बाद देखेंगे तो पता चलेगा बाजार में हम हाफ पैंट में घूमते रहते हैं, पहचानिए नहीं पाइएगा। वेशभूषा किसी को महादेव का चेला नहीं बनाती है, मुद्राएं कभी प्रणाम नहीं करती है। आपके कपड़े शिष्य नहीं बनेंगे, आपका मन शिष्य होगा उस शिव का। जो मन करता है पहनिए। देखिए सर, इतनी मेरी मेहनत माए बहने बैठी है, किसी का साड़ी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे, किसी का स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। लेकिन जब बात जगत गुरु शिव की आती है,
तो साथ श्री अहिंदानंद जी और दीदी नीलमानंद का एहसान देखिए, व्यक्ति सब कुछ छोड़ के अपने जगत गुरु शिव की बात करने लगता है और सबको संभाव से देखने लगता है। तो भाई साहब, मन से ही उस शिव से रिश्ता बनेगा। अगर आप अपने मन को शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश करिएगा तो कोई उपाय नहीं है। मन में कोई ना कुछ बढ़िया लगता है, मन को ना कुछ खराब लगता है। आपको कोई एक गुरु बहन प्रणाम तो आपको बढ़िया लगा, किसको बढ़िया लगता है? मनवा को बढ़िया लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है। तो अपने मन में इस बात को बिठाइए कि वो शिव मेरे गुरु है, शिव अच्छे लगने लगेंगे आपको। मनवा में बैठ गया है, कितने लोग यहाँ बैठे होंगे? हजारों लोग बैठे होंगे। अब कम से कम 10-15 हजार चप्पल तो यहाँ होगा। 15 हजार चप्पल में आपको अपना चप्पलवा खोजने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10-15-20 सेकेंड। कोई चप्पलवा आपको कहता है कि जानकी गुरु बहन हम यहाँ है, कोई चप्पल बोलता है? नहीं बोलता। आप खोज लेती हैं उसको, आपने अपने चप्पल से ऐसा रिश्ता बना रखा है कि चप्पलवा चुपचाप है फिर भी आप खोज ले रहे हैं उसको। ऐसा ही रिश्ता महादेव से बनाइए। महादेव चुपचाप है, आप ढूंढ लीजिएगा उसको। आप चुपचाप रहिएगा, महादेव ढूंढ लेगा आपको। इतना जितना चप्पल से हमारा आपका रिश्ता है, इतना तो महादेव से कभी नहीं बनेगा, ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी आपकी की तरह हैं। हम यहां बैठे हैं, जूता वहां खोल के आए, सारा तब से दिमाग में घूम रहा है, कोई गायब तो नहीं कर दिया? मेरे भी यही है, हम आसमान से थोड़ी आए, मेरी भी यही स्थिति। बहुत सारे गुरु बहने सोच रही है कि जा करदवा बाहर छोड़ दिए, खिड़की से लटक रहा है, कोई खींच लिया तब आ गए इसी चर्चा में बिना बंद कर ले। बैठे हैं शिव की चर्चा में, लेकिन याद जगत है, जगत की चीजें याद। भद्रियल कहते हैं ना, भोगा ना भुगता वैमेव भुगता, यानी भोग को हम और आप भोग के नहीं है, अभी तो भुक्त हो जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। चपलवा खरीदे अपने फायदा के लिए, अब चपलवे हमको आपको भोग रहा है, हम और आप उसको नहीं भोग पा रहे। तो मन का ही खेला है भाई जी, मन को अपने गुरु शिव से जोड़िए। मन में ये भाव आने दीजिए कि वो शिव मेरे गुरु है, परिणाम आ जाएंगे, शिव पकड़ा जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, शिव को पकड़ाए गए पहले से, हम और आप भुलाई लें। शिव से रिश्ता बनाइए, शिव का पता मिल जाएगा आपको। साहब ने इतने आसान से सूत्र दिए, करने की कोशिश करिए। हो गया खत्म? काफी दूर से मैं भी आ भी रहा था, तो रास्ते में देख रहा था कि गुरु बहने गुरु भाई काफी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। मैं अपने महागुरु महादेव से, साहब और दीदी से इस बात की दया की याचना करता हूँ कि आप पर इतनी दया कर दें कि आपकी परेशानियां आपके कष्ट थोड़े दूर हो जाएं, आप शिव के शिष्य हो जाएं, आप शिव शिष्यता की राह में चलने लगे, दौड़ने लगे। अपने साहब दीदी का की जो विचारधारा है कि शिव पूरे जगत के गुरु हों, इस विचारधारा पर हम और आप खरे उतरे, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी दया, ऐसी कृपा साहब और दीदी और महागुरु महादेव हमारे आपके ऊपर करें। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप शिकायत।